एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और आज सोचा ब्लॉग को शुरुआत कर देती हूँ। मतलब आज मैं लगभग 4-5 दिन के बाद ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरे प्रीवियस ब्लॉग बहुत सारे बने थे। तो अभी क्या है, अभी मैं घर में हूँ। देखो तो यहाँ पे काम चला हुआ है, मतलब जो ऊपर चद्दर डलनी थी वो ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो चुकी है और अब यहाँ पे जो छत है वो डलेगा। यहाँ पे पूरा ख़त्म हो गया है। इससे पहले मैं सुंदरनगर चली गई थी क्योंकि 2-3 दिन बच्चों के स्कूल भी थे। आज संडे है और ब्लॉग कल चला जाएगा मंडे को, क्योंकि आपकी शिकायतें रहती है कि आप ब्लॉग लेट लेट क्यों डालते हो। तो बस प्रीवियस ब्लॉग बने थे तो वो भी डालने थे। ठीक है, तो बस कुछ इस तरह से देखो, ये अभी स्ट्रक्चर पूरा बन चुका है और बाकी इसके ऊपर चद्दर भी डल चुकी है। अभी डलेगा छत, अच्छा तो देखेंगे किस तरह से जाता है। अभी मुझे भी तो यहाँ से ना बाहर मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, यहाँ पर भी हमारी टीन डल चुकी है और डलने के बाद देखो कुछ इस तरह से लग रही है। और ये आप नीचे देख रहे हो, वहाँ पे काम कर क्या वाली चलानी, चलो रेस लगाओ, कंपटीशन हो जाए सुबह सुबह बच्चों का। हाँ ठीक है, चलो चलो दौड़ाओ। क्या बोल रहे दादी, आ जा तो आ रहा नाना भी आ। हाँ अरे जे की बांधा है क्या, सुबह पीछे आ जा, सुबह पीछे आगे आ जा। अरे फिर जे की है पीछे। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर देख रहे हो, ये गेहूं है। एक्चुअली ये थोड़ा सा जैसे गेहूं में क्या होता है ना, सीलन जैसे आने लग जाती है, तो इसको हम सुखाने डाल रहे हैं। बाकी उसके बाद इसको छांट के फिर आटा पिसाएंगे इसका। तो ये उसके बाद ना काफ़ी देर जैसे धूप लगा ली थी, उसके बाद क्या किया, उसके बाद में यहाँ पर इसको छांट रही हूँ, साथ में मेरी जेठानी भी है। तो ये ना स्पेशल होता है इसको छांटने के लिए, इसे हम लोकल लैंग्वेज में सूप बोलते हैं। बाकी पता नहीं क्या आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते होंगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहले ये बांस के बनते थे, अब प्लास्टिक के भी मिलने लग गए हैं तो ज़्यादातर अब प्लास्टिक के ही लेते हैं। पहले बांस के बनाए होते थे खुद, जैसे घर में लोगों ने, कारीगरों ने, और फिर वो बेचते थे। तो इससे छांटना बहुत आसान हो जाता है, जैसे जो छोटे वाला कूड़ा होता है ना वो ईजीली निकल जाता है जैसे हम इससे, और उसके बाद जो भी बचता है फिर वो हाथ से छाड़ना पड़ता है। तो बस यहाँ पे वही काम हो रहा है। और आप देख रहे हो यहाँ पे मेरी देवरानी का बेटा है, साथ में शिवा भी है। तो इनको बस गाड़ी चलाने का ही काम होता है, बाकी कुछ नहीं। शिवा बार बार, जैसे मैंने कैमरा एक जगह सेट किया था तो वहाँ पर जाकर ही बार बार वो ला रहे थे उसको। और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो ये काम चला हुआ है, जो छत डलेगा अभी वो वाला ऊपर सीलिंग वगैरह का, तो वही काम चला हुआ है। उसके बाद अभी ये शाम का टाइम हो चुका है यहाँ पर, और अभी मैंने शिवा को मैंने कहा, इसका मैंने होमवर्क नहीं करवाया था तो इस होमवर्क इसका रह गया था, तो मैंने कहा इसका अभी होमवर्क करवा लेती हूँ, फिर क्या है इसको रात को नींद लग जाएगी और फिर ये होमवर्क नहीं करेगा, तो इसलिए मैं आपसे होमवर्क करवा रही हूँ। छोटा फोन है, कौन कौन कहाँ गए, जल्दी बोल कौन कहाँ गए। वो शिवा शुभी वो चले गए डॉगी को लेके, जैकी को लेके चले गए घूमने। तू नहीं गया? क्यों, तू क्यों नहीं गया बता, तुझे भी जाना था। गोभी खानी, गोभी 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 खाई लेनी, सान जा खाई लेंगे, चौके ने क्या करना, फूल गोभी खाई लेंगे ना, वो की दाल बनानी, हाँ दाल कड़ा बनाने, मूंगारी पक्का, ठीक है चले गए वो, चले गए। रिया सुन, आया से ये ले जा अपनी घर, ये ले जा, ठीक है ठीक है, इसको ले जा, हम आगे बातें नहीं समझ गया, गिराना नहीं है, मैट पा दू। चलिए यहाँ से मैं आपको अपने घर के नज़ारे दिखा देती हूँ। वो देखिए, वो छत डल चुकी है अभी, अभी बस नीचे वाला काम चला हुआ है। तो अपना मैंने स्वेटर पहन लिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा ठंड लग रही थी, थोड़ा सा कि अब यहाँ पे ठंड हो ही गई है। बाकी अभी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, खाने में क्या बन रहा है, खाने में बन रही है
गोभी, फूल गोभी। ये रही यहाँ पे हमारी गोभी, गोभी ज़्यादा बन रही है क्योंकि यहाँ पे जो काम लगे हैं वर्कर्स हैं मतलब वो भी खाना खाएंगे, तो आपको गोभी की बड़ा सा पतीला दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो वीडियो देख रहे हो ना, ये शिवा ने बनाई है। वो मतलब उसके हाथ में फ़ोन लग जाता है, उसको लॉक का पता चल गया है, तो बस वो खोल के अब शूटिंग ही करता रहता है। जहाँ भी देखो उसने बनाई है, मैंने छोटे छोटे क्लिप लिए हैं। उसके बाद अभी ये सुबह का टाइम है और यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं। सुबह सुबह ही अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब 7:30 बजे के आसपास का टाइम है, और धूप देख सकती हो और घर का लुक भी आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। अब हमारा घर दिख रहा है बाहर से, जो टीन है वो डल चुकी है अभी, तो इस तरह से दिख रहा है। तो फाइनली हम पहुंच गए थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे पहुंच के मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। फिर सोचा चलो शाम को इस ब्लॉग को खत्म कर देती हूँ, और आज सोचा था कि इस ब्लॉग को आज डाल दूंगी एडिट करके, लेकिन आज भी डाल नहीं पाई। पता नहीं कल भी जाएगा ये ब्लॉग कि नहीं जाएगा, क्योंकि आज फिर से वही पुराना ब्लॉग रह गया था और खत्म कर दिया। अब जो ब्लॉग बनाऊंगी वो कल जाएगा, बस इस तरह से। अब हर बार ऐसा ही सोचती हूँ, लेकिन फिर ऐसा होता है कि मतलब कुछ खास ओकेजन आ जाते हैं जिनका ब्लॉग बनाने का मन करता है, लेकिन उनको एडिट करने का टाइम नहीं लगता, और रात को जैसे बच्चों को भी सुलाना होता है तो फिर नहीं निकाल पाती। और आज भी इस वजह से मेरा ब्लॉग नहीं गया। वैसे बड़ी ब्लॉग की शुरुआत में सोच ही रही थी, बोला भी था कि ब्लॉग आज डाल दूंगी, लेकिन नहीं डाल पाई, सॉरी उसके लिए। फिर से सोच रही, अभी शिवा भी सो गया है, सुबह भी सो गई है ऑलमोस्ट, अभी नींद तो उसको नहीं आई है। शाम का टाइम है, रात हो चुकी है, मतलब तब मैं इस ब्लॉग शूट कर रही हूँ। चलिए अभी ब्लॉग यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। प्लीज कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप इसी तरह से ब्लॉग देखना चाहते हो तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।